गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक इज फाइंडिंग द मिसिंग एडेंड। ठीक है, द मिसिंग एडेंड कैन बी फाउंड बाय सब्ट्रैक्टिंग द गिवन एडेंड फ्रॉम द सम। सबसे पहले हम ये समझेंगे एडेंड क्या है और सम क्या है। ठीक है, एडेंड मीन्स जिन दो नंबर्स को अपन ऐड कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, एडेंड। ठीक है, और जो रिजल्ट आता है उसको क्या बोलते हैं, सम और टोटल। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपके लिए। तो इन्होंने ये बोला है इस के अकॉर्डिंग कि जैसे आपके पास 3 दिया हुआ है और उन्होंने पूछा है उसमें क्या प्लस करें कि 5 आए, दैट मीन्स उसका एक एडेंड जो है वो मिसिंग है, तो वो अपन को फाइंड करना है। तो अपन क्या करेंगे, जो उसका सम है उसमें से ये वाला नंबर माइनस कर देंगे तो आपका मिसिंग एडेंड फाइंड हो जाएगा। दैट मीन्स 5 - 3 = 2। तो आपका यहाँ जो आना है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स कि मिसिंग एडेंड को फाइंड करने के लिए उसका जो रिजल्ट होता है, जो सम होता है, उसमें से जो एडेंड आपको दिया हुआ है उसको क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। स्टूडेंट्स, दिस इज एक्सरसाइज 3.3। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन 82,104 was added to a certain number, the sum obtained was 1,64,720. Find the number. That means, इन्होंने ये बोला है कि इनके पास ये एक एडेंड है, ठीक है, उसमें कोई भी एक नंबर है, उसमें कोई भी एक सर्टेन नंबर ऐड कर दिया जाए तो जो उसका सम है वो ये आ रहा है। ठीक है, तो अभी अपन ने समझा था कि अगर मिसिंग एडेंड फाइंड करना है तो अपन उसके टोटल में से जो एडेंड अपन को दिया हो उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। दैट मीन्स कि उनका एक एडेंड दिया हुआ है, ये मिसिंग एडेंड है, इसको फाइंड करना है तो क्या करेंगे, उसके सम जो उसका टोटल है उसमें से जो फर्स्ट एडेंड है उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अपन ने यही किया है कि उसका जो सम है टोटल जो उन्होंने दिया है उसमें से फर्स्ट एडेंड को माइनस कर दिया है, तो अपना आंसर क्या आ गया है, ये आ गया। ठीक है, ओके, और यदि अपन को अपना आंसर मैच करना है कि ये करेक्ट है कि नहीं है, तो देखो इसका माइनस करने पर ये आया, अपन इसको और उसके जस्ट ऊपर वाले दोनों एडेंड्स को प्लस करेंगे और उसका आंसर यही आ जाएगा। दैट मीन्स कि जो अपन ने एडेंड निकाला है वो करेक्ट है। ठीक है, आपका क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 63,529 एंड वन नंबर इज 34,381, फाइंड द अदर। दैट मीन्स कि आप उन्होंने बोला है कि जो सम है वो 63,529 है। ठीक है, एंड वन नंबर इज 34,381। दैट मीन्स कि आपका एक नंबर ये है और एक नंबर आपको निकालना है, मतलब इसमें ऐसा क्या प्लस किया जाए कि ये वाला नंबर आ जाए। ठीक है, तो अपन फिर से क्या करेंगे, अगेन वही मेथड, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो अपन ने अगेन ये वाला नंबर राइट किया, इसमें से इस नंबर को माइनस किया और जो रिजल्ट आया वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर, जो अपना मिसिंग एडेंड है वो ये हो जाएगा। ठीक है, और अगेन अगर अपन को चेक करना है कि जो अपन ने आंसर निकाला है वो करेक्ट है कि नहीं, तो इन दोनों को अपन प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये देखो आपका ये और ये सेम आया है ना, आया ना। अपन ने पहले ये वाला नंबर यहाँ राइट कर दिया, उसके बाद ये नंबर राइट कर दिया और जो रिजल्ट आया वो ये वाला नंबर आ गया। ठीक है, नाउ योर थर्ड क्वेश्चन इज इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 6,95,928 एंड वन नंबर इज 54,387, फाइंड द अदर। दैट मीन्स कि आपके पास एक मिसिंग एडेंड ये है और सम ये है, सेम आपके फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन की तरह ये है। ठीक है ना, फर्स्ट एडेंड ये है, सेकेंड एडेंड अपन को फाइंड करना है, तो अपन ने अगेन जो आपका टोटल था उसमें से फर्स्ट एडेंड को क्या किया है, माइनस कर दिया है, तो जो रिजल्ट आ गया है वो अपना क्या आ गया, सेकेंड एडेंड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने प्रूव भी किया है। ठीक है, कि आपने ये वाला नंबर, देखो ये वाला नंबर एज इट इज यहाँ राइट किया, उसके बाद ये राइट कर दिया और इन दोनों को प्लस करने पर आपका ये वाला नंबर आ गया। ठीक है, आज आपको एडेंड्स फाइंड करना
आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वर्क आपको आपकी कॉपी में राइट करना है जो आपका मैथ्स रजिस्टर है उसमें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक इज फाइंडिंग द मिसिंग सबट्रैहेंड। ठीक है, आज आपका टॉपिक क्या है, यदि किसी भी सबट्रैक्शन में सबट्रैहेंड मिसिंग होता है उसको फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करते हैं। टू फाइंड द मिसिंग सबट्रैहेंड सबट्रैक्ट द डिफरेंस फ्रॉम द मेन्यूएंड। देखो सबसे पहले मैं कुछ चीजें क्लियर कर दूं, जैसे कि यहाँ 10 है ठीक है, और अपन को उसमें से 2 माइनस किया कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये 10 क्या है, मेन्यूएंड। ठीक है, और 2 क्या है, सबट्रैहेंड। ठीक है, और ये 8 क्या है, डिफरेंस। दैट मीन्स जिस नंबर में से माइनस करते हैं वो मेन्यूएंड, जिस को माइनस करते हैं सबट्रैहेंड, और जो रिजल्ट आता है उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद अब अपने पास जैसे कि 10 दिया हुआ है माइनस और 8, दैट मीन्स 10 में से क्या माइनस करें कि 8 आ जाएगा। यदि आपका क्वेश्चन ये है तो इसमें अपन क्या करते हैं, जो मेन्यूएंड होता है ना उसमें से डिफरेंस को माइनस कर देते हैं, जैसे कि इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जैसे अपन ने 10 माइनस 8 किया, ठीक है ना, 10 माइनस 8 किया तो क्या आ जाएगा, 2। दैट मीन्स आपका सबट्रैहेंड क्या है, 2। 10 में से 8 माइनस 10 में से 2 माइनस किया, क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। सबसे पहले आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि मेन्यूएंड है, ये सबट्रैहेंड है और ये डिफरेंस है। और जब भी अपन को सबट्रैहेंड फाइंड करना होता है तो क्या करते हैं, मेन्यूएंड में से एट जो भी डिफरेंस होता है उसको माइनस कर देते हैं। स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द नंबर विच वेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7,54,836 गिव्स 2,71,982। ठीक है, दैट मीन्स इन्होंने बोला है कि एक नंबर, इस नंबर में से ऐसा कौन सा नंबर माइनस करें कि ये वाला नंबर आ जाए। ठीक है, तो अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले अपन ने जो क्वेश्चन दिया उसको एज इट इज राइट कर दिया कि ये नंबर है, इसमें से कुछ माइनस करना है और तो ये नंबर आ रहा है। ठीक है, अब अभी हमने पढ़ा था कि यदि अपने पास मेन्यूएंड है और डिफरेंस है और सबट्रैहेंड माइनस सबट्रैहेंड फाइंड करना होता है तो अपन क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। तो जो सेकंड स्टेप है, देखो अपन ने हमने उसमें से क्या किया है, एज इट इज सेम नंबर राइट कर दिया है, उसके बाद ये नंबर राइट कर दिया और उसमें से इसको माइनस कर दिया, तो जो ये आपका आंसर आया है वो ये क्या हो जाएगा, यहाँ आना है। ठीक है, वो ये आपका क्या है, सबट्रैहेंड है। ठीक है, थर्ड स्टेप में मैंने प्रूफ किया है कि जो मैं आंसर लाई हूँ वो सही है। देखो एज इट इज नंबर राइट किया, जो यहाँ आंसर फाइंड करना था ठीक है वो कहाँ राइट कर दिया, एज इट इज यहाँ, और आंसर क्या आ गया, ये वाला नंबर। ठीक है, दैट मीन्स कि यदि आपको सबट्रैहेंड फाइंड करना है तो इसमें से इसको माइनस करना है। ठीक है, बहुत इजी है, बस आपको क्वेश्चन देख के समझ आना चाहिए कि आपको फाइंड क्या करना है। तो क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि सबट्रैक्ट फ्रॉम, दैट मीन्स इस वाले से सबट्रैक्ट करने पर गिव्स, मतलब क्या मिल रहा है, ये नंबर। दैट मीन्स ऐसा नंबर निकालो जो इसमें से अपन माइनस करें तो ये नंबर दे। तो वो अपन ने पहले ऐसे राइट कर लिया, फिर अपन ने उसका सबट्रैहेंड फाइंड कर लिया। सबट्रैहेंड कैसे फाइंड किया है, माइनस करके। ठीक है, इसमें से इसको माइनस किया। ठीक है, फाइंड द नंबर विच मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 4,35,678 टू गिव आर डिफरेंस ऑफ 4,01,000
12,347. देखो इसमें क्लियरली दिखा है कि ऐसा नंबर फाइंड करो जो इसमें से माइनस करने पर ये वाला नंबर देता हो, ठीक है। डिफरेंस ये दिया है उन्होंने, ठीक है। तो क्या किया अपन ने, ये वाला नंबर राइट किया, मीनुएंड राइट किया, उसके बाद सब्ट्रैक्ट के लिए अपने स्पेस छोड़ा और ये वाला आंसर जो उन्होंने डिफरेंस दिया है वो राइट कर दिया, ठीक है। उसके बाद अभी अपन ने पढ़ा था क्या करते हैं जब अपन सब्ट्रैक्ट फाइंड करना रहता है, मीनुएंड में से डिफरेंस को माइनस कर देते हैं। तो एज इट इज ये नंबर राइट कर दिया, उसके बाद ये नंबर राइट कर दिया और इन दोनों को माइनस कर दिया, ठीक है। तो अपना जो ये आ गया, ये सब्ट्रैक्ट आ गया, तो उसको एज इट इज यहाँ लिख दिया। देखो मैंने नेक्स्ट स्टेप पे लिख के बताया है, एज इट इज ये जो अपना सब्ट्रैक्ट आया था वो, तो माइनस करने पर क्या आ गया, ये आ गया है। ये करने से आपका आंसर चेक हो जाता है कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, जो सब्ट्रैक्ट निकाला है, वो करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट्स आज आपने सीखा कि सब्ट्रैक्ट को कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट को मीनुएंड में से डिफरेंस को या माइनस करते हैं तो सब्ट्रैक्ट आ जाता है। थैंक यू।